एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ललिताज इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे शब्द बताऊंगी जिनकी स्पेलिंग सेम रहेगी, बिल्कुल सेम, और जो प्रोनंसिएशन उच्चारण है वो भी सेम ही रहेगा, लेकिन एक बार वो निकालेगा अर्थ वर्ब का, क्रिया का, और दूसरी बार उसका जो अर्थ होगा वो होगा नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में। इससे ये होगा कि आपको कम समय में ज़्यादा शब्द याद हो पाएंगे और आप उन वर्ड्स का यूज़ बहुत सारी जगह कर पाएंगे। पहला शब्द है water, water, water। अब इसको हम सबसे पहले नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में देखते हैं, तो इसका अर्थ निकलता है पानी, आप सब जानते ही हैं वैसे। तो इसका एक सेंटेंस देखते हैं, हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। तो ये जो सेंटेंस अभी मैंने आपके सामने बोला, इसमें जो वाटर लिख रखा है वो एक नाउन है। अगला देखते हैं इसी सेम स्पेलिंग का जो अर्थ है क्रिया के रूप में, वर्ब के रूप में, पानी पिलाना, या पौधों को जब हम पानी देते हैं तब भी यूज़ किया जाता है इस वाटर वर्ब का। एक सेंटेंस देखते हैं, वह पौधों को पानी पिला रही है, या वह पौधों को पानी दे रही है, शी इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, शी इज़ वाटरिंग द प्लांट्स। तो इस लाइन में हमें ये याद रखना है कि वाटर जो शब्द है, वाटरिंग किया है क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो वाटरिंग जो है वाटर वो एक क्रिया के रूप में काम कर रहा है। शब्द है face, फेस, इसके भी दो अर्थ निकलेंगे। पहला हम लेंगे नाउन के रूप में, तो नाउन के रूप में इसका हिंदी में अर्थ होता है चेहरा, जो हम सबका चेहरा होता है उसको फेस कहते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, उसका चेहरा बहुत सुंदर है, शी हैज़ अ प्रीटी फेस, शी हैज़ अ प्रीटी फेस। यहाँ मैंने जो फेस बोला है लास्ट में, उसका जो अर्थ निकल रहा है वो चेहरे के रूप में निकल रहा है, नाउन के रूप में। और इसी सेम स्पेलिंग फेस का हम वर्ब के रूप में अगर अर्थ देखें, क्रिया के रूप में, तो होगा सामना करना, चेहरा नहीं होगा यहाँ। एक सेंटेंस देखते हैं, वह कई परेशानियों का सामना कर रहा है, ही इज़ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, ही इज़ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स। तो यहाँ जो हम फेसिंग बोल रहे हैं, फेस में मैंने आई एन जी लगाया है क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस था, तो यहाँ ये एक वर्ब के रूप में काम कर रहा है, सामना करना। शब्द है protest, प्रोटेस्ट, इसका भी हम पहला अर्थ देखेंगे नाउन के रूप में, जो होता है विरोध, आप सब जानते हैं ये वर्ड बहुत कॉमन ही है, तो प्रोटेस्ट का मतलब विरोध एक नाउन के रूप में। एक सेंटेंस देखते हैं, यह बहुत बड़ा विरोध है, इट इज़ अ ह्यूज प्रोटेस्ट, इट इज़ अ ह्यूज प्रोटेस्ट। तो इस सेंटेंस में जो प्रोटेस्ट वर्ड है उसका अर्थ निकलेगा नाउन के रूप में, विरोध। अगला इसी सेम स्पेलिंग का जो अर्थ है वो एक वर्ब क्रिया के रूप में निकलेगा, विरोध करना, विरोध करना। एक सेंटेंस देखते हैं ताकि ये अच्छे से आपको समझ में आए, लोग सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यहाँ मैंने जो प्रोटेस्ट में आईएनजी लगाकर यूज़ किया है प्रोटेस्टिंग, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ प्रोटेस्टिंग का मतलब होगा विरोध करना। वर्ड है pen, पैन, इसका नाउन के रूप में जो अर्थ होता है वो होगा पेन, या फिर आप शुद्ध हिंदी में कलम भी बोल सकते हैं, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। तो ये सेंटेंस में जो मैंने पेन यूज़ किया है वो एक नाउन के रूप में यूज़ किया है। और इसे सेम स्पेलिंग का एक और जो अर्थ होता है वो होता है लिखना। अब नॉर्मल इंग्लिश में हम लिखने के लिए राइट वर्ड का यूज़ करते हैं write, लेकिन जो आपको न्यूज़पेपर में वोकेबलरी मिलती है तो वहाँ इसका यूज़ किया जाता है पेन का, तो इसका अर्थ होगा लिखना। सेंटेंस देखते हैं, उसने दो कहानियाँ लिखी, शी पेंड टू स्टोरीज, शी पेंड टू स्टोरीज। pen, पेन जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, उसमें आपको डबल n करके ed जोड़ना पड़ेगा, तो इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी पेंड। सारे वर्ड्स को आप एक नोटबुक में नोट करें और अपनी डेली रूटीन में भी इनका यूज़ करना शुरू कर दें। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।